सो ही गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस आज अपन चलने वाले हैं अपने तालिस भाई जो कि उसकी मम्मी पापा और उनकी गर्लफ्रेंड थी जो कि वो भी अजमेर शरीफ दरगाह के अंदर आई है। तो गाइस हम वहीं पे चलेंगे और वहाँ पे पूरा मतलब कि दानिश भाई के मम्मी पापा और उनकी गर्लफ्रेंड जो कि गर्लफ्रेंड की कहीं और शादी हो गई है लेकिन अभी भी दानिश भाई की गर्लफ्रेंड मानते हैं उनके घर वाले और अभी उनकी बेटी मानते हैं। सो गाइस मैं आपको वही दिखाने वाला हूँ, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लेट्स गो। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन के पास में, अजमेर रेलवे स्टेशन है और अंदर की ओर चलेंगे। वहाँ पे हम लिफ्ट में बैठेंगे और लिफ्ट में बैठने के बाद में यहाँ पे दानिश भाई के मम्मी पापा और उनकी गर्लफ्रेंड आ रखी है, तो हम उनके पास में सीधे जाएंगे। यहाँ से आप देख सकते हो रेलवे स्टेशन है। फाइनली हमको मिल गई है लिफ्ट और इस लिफ्ट के अंदर बैठ के अब ऊपर की ओर जाएंगे और उस तरफ है उनकी गर्लफ्रेंड और उनके मम्मी पापा। सो उनसे ही हम मिलने वाले हैं और दानिश जैन के बारे में पूछेंगे आज। फाइनली हम बैठ चुके हैं लिफ्ट के अंदर और अब चार सीढ़े की देखते हैं। आप देख सकते हो पीछे की तरफ लिफ्ट। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन के अंदर और यहाँ पे देख सकते हो ट्रेन आने वाली है यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद में ट्रेन दानिश जैन की गर्लफ्रेंड वगैरह और उनके घर वाले सब भी यहीं पे उतरेंगे और फिर हम उनसे मुलाकात। सो गाइस ये देख सकते हो मुसलमान जाति के जो कि ये है मुंबई के, और इनसे हम बातचीत करते हैं यहाँ पे कि दानिश जैन की गर्लफ्रेंड और उनके घर वाले कब तक आएंगे। सो गाइस 15 जी का ब्लॉग के अंदर। सो गाइस फाइनली आ चुके हैं दानिश जैन की गर्लफ्रेंड और उनके घर वाले और उनके अड़ोसी पड़ोसी सब भी आगे हैं और यहाँ पे अब दरगाह के अंदर जाने की तैयारी कर रहे हैं। सो गाइस ये देख सकते हो यहाँ पे खड़े हैं उनके घर वाले सब भी, और उनकी गर्लफ्रेंड मैं आपको दिखाता हूँ अलग से जो कि उसकी वीडियो अलग से बनाई है। सो गाइस दानिश जैन की गर्लफ्रेंड ये वाली है जो कि हरे कपड़े पहन रखी है जो क्योंकि इसने घूंघट उड़ा रखा है, और वहाँ पर जो लड़का खड़ा है टोपी लगा के चश्मा लगा के वो वाला दानिश जैन की गर्लफ्रेंड का पति है जो कि बैग टांग रखा है वो वाला, वो उस तरफ खड़ा है गाइस। और मैं यहाँ पे छुपके से वीडियो बनाई क्योंकि बनाने के मना कर दिया था, लेकिन मैं आपके लिए छुपके से वीडियो बना ली है। सो गाइस वो वाला है वो लड़का जिससे दानिश जैन की गर्लफ्रेंड की अभी शादी हुई है, और ये पानी की बोतल ले रखी है हाथ में, ये वाली है दानिश जैन की गर्लफ्रेंड। और मैंने ये वॉइस ओवर की क्योंकि इनको पता चल जाता तो मुझे डांटते वीडियो बनाने से, इसलिए गाइस मैंने चुपचाप से वीडियो बनाई है। सो दानिश जैन के घर वाले और उनकी गर्लफ्रेंड और उनके मतलब गर्लफ्रेंड का पति और उनके सभी मेहमान जो कि इस होटल के अंदर रुके हुए हैं और यहाँ पे रात रह के फिर दरगाह शरीफ के अंदर दर्शन करने जाएंगे। सो गाइस ये देख सकते हो यहाँ पे है वो सब। सो गाइस फाइनली मॉर्निंग हो चुकी है और आप दर्शन करने के लिए निकल गए हैं और यहाँ से सीधा जाएंगे दरगाह के अंदर। सो ये देख सकते हो यहाँ से मिठाई वगैरह खरीदेंगे और फिर खाजा मौली चिश्ती उनके मिठाई और भोग वगैरह लगाएंगे। सो आप ये देख सकते हो सभी मुस्लिम जाति के लोग यहाँ पे जा रहे हैं क्योंकि उर्स का मेला भर रहा है अभी जो कि सभी लोग जाते हैं यहाँ पे, और अब चलते हैं सीधा दरगाह का, मैं आपको सीन दिखाता हूँ गाइस। सो गाइस फाइनली दानिश जैन के घर वाले और उनके सभी मेहमान और यहाँ पे दरगाह के अंदर आ चुके हैं और अब दर्शन करेंगे। यहाँ की मैं गाइस वीडियो इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि यहाँ पे यार भीड़ बहुत ज्यादा है, सो यहाँ पे वीडियो नहीं बना पाया। सो गाइस फाइनली उनके घर वालों ने दर्शन कर लिए और यहाँ पे चूरमा बाटी दाल बनाई जा रही है जो कि बाटियाँ सेक रहे हैं, और इस बाटी सेकने के बाद में सभी यहाँ पे बैठ के खाएंगे क्योंकि गाइस आप सभी को पता राजस्थान आने के बाद में चूरमा बाटी दाल खाना पड़ता है, राजस्थान की फेवरेट चूरमा बाटी दाल, और यहाँ पे मीट मांस भी बनता है। लेकिन गाइस आप भी चूरमा बाटी दाल और मीट भी बनाएंगे, साइड में मीट बन रही है, और फिर मीट वगैरह खाने के बाद में यहाँ से अनासागर चौपाटी उस तरफ दर्शन करने जाएंगे सभी उनके घर वाले। सो गाइस फाइनली मैंने आपको दिखा दिया था और दानिश भाई की गर्लफ्रेंड कितनी मस्त थी और उनके मम्मी पापा भी कितने अच्छे हैं। सो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।